करंटली जी हमारी ऑलमोस्ट मेजर जो रोड्स हैं वो सभी के सभी किसी ना किसी रूप से बाधित हैं, क्योंकि कहीं पे स्लिप्स हुए हैं, कहीं पे स्नोफॉल हो गई है। आपका चंबा डलहौजी मार्ग है वो भी बाधित है, चंबा जोत के माध्यम से चुवाड़ी का मार्ग है वो भी बाधित है, चंबा से लेके भरमौर, चंबा से तीसा, वहाँ पे भी छोटे व्हीकल्स की आवाजाही है, बट अदरवाइज कंटिन्यूसली स्लिप्स हो रहे हैं। तो मेरा तो सभी लोगों से यही निवेदन है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रैवल, अगर जाना एकदम अति आवश्यक नहीं है तो एक दो दिन का थोड़ा वेट कर, जब तक थोड़ा मौसम साफ हो जाए और जो हमारी सभी विभागों की टीम्स लगी हुई हैं फील्ड पे एसेंशियल सर्विसेज को रिस्टोर करने के लिए, वो आई एम श्योर कि अगले एक दो दिन के अंदर सिचुएशन को वापस नॉर्मल कर देंगे। अच्छा सर, एक रूल कोठी पंचायत का सिवका गांव है, वहाँ पर स्लाइडिंग हुई है सर जी, घर आ गए तो इसी तरह में सर, क्योंकि और भी कोई नुकसान तो नहीं हुआ सर घरों का? अभी जो रेवेन्यू की टीम है वो वहाँ पे जा नहीं पाई है क्योंकि जो रोड है उसकी वो करंटली ब्लॉक्ड है, बट जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक लैंडस्लाइड में एक घर और घर के साथ एक काउशेड टाइप का स्ट्रक्चर वो डैमेज हुआ था। फॉर्चुनेटली घर में उस समय कोई नहीं था, जो परिवार है वो कांगड़ा शिफ्ट हो रखा है सर्दियों के टाइम पर, जैसा भरमौर में काफ़ी लोग करते हैं। तो प्रधान जो है वहाँ के वो मौके पे जाके ही सी, और अभी इस प्रकार का और ख़तरा आसपास वाले घरों को नहीं देखा गया है, परंतु आज आई थिंक जो हमारी रेवेन्यू की टीम है वो जाके विजिट कर लेगी एंड ऑन द बेसिस ऑफ कि फील्ड पे क्या स्थिति है उसके हिसाब से जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी।